गोलू छेड़ रहा है इनको जैसे गोलू। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हो रखा मौसम बड़ा सुहावना। तो गाइज शाम के बज रहे हैं 5:30 और आज हम आए हुए हैं घूमने के लिए खेतों की साइड में, आप देख सकते हैं 360 में। तो अभी हमें मतलब बचपन में ना एक चीज़ से खेलते थे तो वो दिख गई, तो ऐसे ही मन कर गया कि वो दिखाते हैं कि कैसे उस चीज़ से खेलते थे। मतलब एक पेड़ है, पेड़ में के लिक्विड से ना मतलब बबल्स निकलते हैं, जैसे वो अब पैसों में नहीं आता है, उसमें से फूक मारते हैं तो बबल्स निकलते हैं। तो ऐसे एक ऐसा पेड़ है, हम बचपन में उससे बहुत खेलते थे, सोचा आज आप लोगों को वो दिखाते हैं। तो अभी वो दिखाया, गोलू से बोलता हूँ, गोलू तू वो जल्दी से अपना औजार रेडी कर ले भाई। तो गाइस ये गोलू रेडी कर रहा है वो औजार भाई अब पहले रियलिटी में मतलब नेचर में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खेलने लायक होती हैं, लेकिन आजकल के बच्चे तो भाई कहाँ ही नेचर में ध्यान रखते हैं, वो तो अपना बस फ़ोन में ही, फ़ोन की दुनिया से ही बाहर नहीं निकल के आते। और ये देखो गाइस अभी हम बबल्स निकालेंगे इससे, आजकल जो पैसों में आता है ना कि फूक मारते हैं और बबल्स निकलते हैं, तो ये वो पेड़ है, इस पेड़ के लिक्विड से है ना बबल्स निकलते हैं गाइस। तो अभी गोलू करेगा इसकी टेस्टिंग। तो ये देखो गाइस कहाँ गए, कहाँ गया, उड़ गया दूसरा बड़ा ये तो सीन हो गया था भाई, रुक जाओ दूसरा एक मिनट रुक जा। ये देखो गाइस आजकल के बच्चे तो भाई फोन की दुनिया से ही नहीं निकलते, वरना यार प्राकृतिक में भी इतनी चीजें, मतलब हमारे टाइम पे बहुत खेलते थे हम इस चीज से। ये देखो कितने बबल्स निकल रहे हैं इससे, देख और दिखा भाई कति बढ़िया डाला दिखा, कदे बंदे ने सोचा फेक है, ऐसा कुछ नहीं भाई, कुछ भी फेक नहीं है, ये लिक्विड रियलिटी में इसमें से बबल्स निकलते हैं। इस साइड हरियाली सी की क्या, थोड़ा बैठ के छोड़ा रहे, छोड़ ये देखो भाई अटके उसमें। ये देखो गाइस ये रहा वो बबल, ये अभी अभी जस्ट गिरा है ना, ये देखो ऐसे बबल्स निकलते हैं इससे। अब ये देखो गोलू फोड़ेगा इसको, ये फोड़ गया। तो ये देख सकते हैं गाइस नेचर में। अरे एक चीज़ और दिखाऊंगा गाइस, जो ब्याह शादी में वो नहीं करवाते गाड़ी सजाया हुआ है तो उसके ऊपर जो वाइट वाइट से वो दाने से दिखते रहते हैं ना, छोटे छोटे फूल होते हैं, वो यही है वो फूल गाइस। और यही बिकते हैं मार्केट में, अरे यहाँ पे पूरा मतलब पूरे रोड पे लगे हुए हैं ऐसे, जैसे नॉर्मली मतलब पूरे रोड पे ये लगे हुए हैं। अरे ये ऐसे नॉर्मल दिल्ली में गाड़ी सजाते हैं ना, तो इनको पैसों में ऐसे मतलब गुलदस्ता सा बना के, देखो गोलू ने और भी छोड़ दिया और ये मेरे हाथ पे आके गिर गया, ये गोलू छोड़ रहा है बबल से। तो ये देखो गाइस एक इसी पेड़ पे भी है ये रहा बबल। तो ये देखो गाइस है ना मस्त चीज़, तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने देखा ना आज मैं घूमने आया था तो मैंने को लगा कि यार आपको बताना चाहिए ये चीज़, मतलब बचपन में ऐसे भी खेलते थे हम लोग। बबल्स का ना मतलब ये इतने मजबूत होते हैं, बहुत टाइम लग जाते हैं, मतलब जल्दी से फूटते भी नहीं है, अगर ढंग से अगर कहीं पे जम गए ना तो जम ही गए, बहुत देर तक चलते हैं, फूटते नहीं है। ये और खासियत इन बबल्स की गाइस। और देखो अभी मैं इसको टच करके दिखाऊं, देखो अब फूटा है ना, तो बिना टच करे तो ये जल्दी से फूटते भी नहीं है, ढंग के जगह रुक जाए तो। ये देखो गाय नेचुरल वॉइस, देखो कोयल, कोयल की आवाज सुनो, लो गई वहाँ गई। गाँव में ये तो फायदा गाइस, नेचुरल बर्ड्स बहुत मिल जाते हैं, अभी आज घूमने आया तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आवाज़ आपने भी सुनी होगी तो मस्त सी वाई बात थी, मतलब ये सब चीज़ें सुन के। ये देखो गाइस लाल बटन वाले, ये कोयल है, कोयल है। ये देखो गाइस नॉर्मल, ये मान लो बस ऐसे ही उगा हुआ है ये रोड के किनारे पे, और इसकी खूबसूरती देखो गाइस इस पेड़ की,
ये देखो चीज गैस, गांव में इतनी विचित्र विचित्र चीज़ें हैं यार, हम ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे। ये देखो कितना प्यारा फूल लग रहा है, वाइट है, वैसे जंगली हुआ हुआ है ये, वैसे ही नॉर्मल बस पेड़ रोड के किनारे पे ये पेड़ लगा हुआ है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है गैस। और वैसे पैसों में जाओ भाई, पेड़ लगाओ, बढ़िया गमला लेके आओ। अरे देख लो ऐसे मतलब जंगल में ऐसे गया, ये जंगली पेड़ है, आवारा पेड़, और इसकी खूबसूरती देखो गैस। तो गाय जी देखो यहाँ पे कोयल बैठे हुए दो हैं ये शायद। गोलू खेल रहा है इनको, जैसे गोलू जिद कर रहा है ना, तो खुद भी कोयल भी जिद कर रही है। गाय जी यहाँ से देखो कितना खतरनाक नजारा आ रहा है, ये पीछे वो ईंटों के भट्ठे लगे हुए हैं ना। पहले यहाँ पे जो ये वाली जमीन है, यहाँ पे भी पहले भट्ठा होता था, अब वो नहीं है भाई, वो गिरा दिया, लेकिन पीछे है और भट्ठे बहुत सारे, वहाँ पे सारी ईंटें बनती हैं। और बाकी व्यू देखो कितना मस्त आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये पूरी धान की खेती हो रखी है, पूरी वहां तक पीछे तक सारा धान ही धान लगा रखा है। ये देखो उनकी बार बारिश भी अच्छी हुई है वैसे। बंदा ने सोची यार खेतों में नलका बहुत बढ़िया पानी पाऊगा, पर थोड़ा खारा पानी है, बाकी तो ठीक है यार, ठंडा तो है पर खारा है।